सो गाइस, तुमसे वीडियो से रिलेटेड एक सवाल पूछा था, सर मुझे बिग स्क्रीन कनेक्ट करनी है तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ। तो मैं आपको इसका सोल्यूशन बताने वाला हूँ, मैं सब कुछ प्रैक्टिकल करके आपको बताऊंगा। इसके लिए जो डीडी सॉफ्टवेयर हुआ यूज़ करने वाला हूँ वर्चुअल डीजे को, क्योंकि मुझे बहुत पता है कि बहुत सारे लोग वर्चुअल डीजे यूज़ करते हैं वीडियो के लिए। इसके लिए मैं आपको रिकॉर्ड बॉक्स में भी बताने वाला हूँ, तो दोनों सॉफ्टवेयर को हम कवर करेंगे। इसके अलावा मैं आपको क्या क्या लगेगा इसमें भी यह भी बताऊंगा। सो गाइस, यदि आपको नहीं पता आप भी वीडियो करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। सो गाइस, वेलकम टू माय चैनल डीजे, स्वागत है आप इस वीडियो में। देखते हैं सबको मिलने वाला। तो अगर सबसे पहले बताती हूँ मैं किस किसी की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले बिग स्क्रीन, क्योंकि हमें ओबियसली वहीं कनेक्ट करनी है, तो मैं यहाँ पर अपनी टीवी मान लूँगा। अब इसमें यूज़ होती है HDMI केबल। आपकी बिग टीवी हो या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट है आपका हो, तो वहाँ पर आप देखिए वहाँ पर क्या यूज़ होगा, तो वहाँ केबल आप ले लीजिएगा। इसके अलावा होना चाहिए हमारे पास लैपटॉप। लैपटॉप के साथ साथ हमारे पास होना चाहिए DA सॉफ्टवेयर, जो कि वर्चुअल DA और रिकॉर्ड बॉक्स में हम आज सीखने वाले हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यह मेरी स्क्रीन के पीछे वाला पार्ट है जहाँ पर मैं HDMI जो केबल है उसे लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास लोड है HDMI का। आपके पास दूसरा हो तो आप वह देख लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास HDMI केबल है। अब बट प्रॉब्लम क्या है मेरे साथ, मेरे लैपटॉप में HDMI केबल का स्लॉट नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक कनेक्टर यूज़ करूँगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ मेरे पास थंडरबोल्ट है, उसका स्लॉट है, तो मैं क्या करूँगा, जो HDMI केबल है इस पर लगा दूंगा, और जो यह कनेक्टर है जो थंडरबोल्ट पोर्ट है इसे मैं लगा दूंगा अपने लैपटॉप पर। तो चलिए अब मैं यही करूँगा। आपके पास कोई अलग स्लॉट है तो आप उस तरह से देख लीजिएगा। तो इसे क्या देख सकते हैं, लगा लिया है, और जो स्लॉट है जो थंडरबोल्ट का उसे मैं यहाँ पर यह लगा दूंगा। तो लगाने के बाद अब हमें यह देखना है कि हम किस तरह से हमें सेटिंग करनी है हमारे लैपटॉप में। सबसे पहले हम सीखने वाले हैं हमारे वर्चुअल डीजे सॉफ्टवेयर। सबसे पहले हम जाएंगे सेटिंग पर। सेटिंग पर जाने के बाद वहाँ पर देखेंगे डिस्प्ले का ऑप्शन आएगा, तो डिस्प्ले पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ बिल्कुल आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। तो मैं डिस्प्ले सेटिंग पर जाता हूँ। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ी अलग प्रकार की सेटिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि आप देखेंगे अबाउट थिंग्स मेक पर, तो मैं क्या यूज़ करता हूँ, मेक OS मॉन्टेरे, ठीक है। यहाँ अलग अलग से आपको कैटेगरी नाम अलग मिलेगा, थोड़ा सा तो मैं आपको समझा दूंगा। तो जैसे कि हमारे पास यह मेन स्क्रीन है, तो यहाँ पर मैंने मेन डिस्प्ले कर रखी, बट यहाँ देखेंगे तो यह हमारी एक्सटेंडेड स्क्रीन है जो कि मैंने लगाई हुई है। तो यहाँ पर किस तरह सेटिंग रखनी, तो आपको बिल्कुल सेम रखना जैसे मैंने अभी यहाँ रखी हुई है। जैसे कि आप देख सकते हैं यह हमारे पास यह एक्सटेंडेड स्क्रीन है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बिल्कुल यह मेरी स्क्रीन है, ठीक है, एक्सटेंडेड वाली, और यह हमारी मेन स्क्रीन कौन सी है, जो हमारा लैपटॉप है वो वाली। और इसके अलावा यहाँ पर आपको दो ऑप्शन और देखने को मिलते हैं, जिसमें से हमारे पास एक मिरर का ऑप्शन होता है, तो उस पर आपको क्लिक नहीं रखना है, तो सेम टू सेम हो जाएगा। मैं आपको बाद में करके भी दिखाऊंगा, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए हम चलते हैं सॉफ्टवेयर पर। हम यहाँ पर वीडियो पर क्लिक करेंगे, और जैसे यहाँ पर हम दो जो वीडियोस होंगे वह लोड कर देंगे दूसरे चैनल पर। और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम हमारी मेन स्क्रीन पर जाएंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर जाता हूँ, प्रीव्यू ओनली करेंगे। तो जैसे कि आप देखेंगे तो प्रीव्यू ओनली पर आपको जो बिग स्क्रीन है वहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। बट यहाँ पर आप जाएंगे फिर से, और आप यहाँ पर फुल स्क्रीन डिस्प्ले 2 पर करेंगे, तो आपकी जो वर्चुअल डीजे की मेन डिस्प्ले है वह आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा हमें डिस्प्ले की सेटिंग समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे कि मैं डिस्प्ले सेटिंग पर जाता हूँ, और मैं आपको थोड़ा सा शो करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, जो हमारे मिरर है इस पर क्लिक करता हूँ, तो देखना क्या होगा, जैसे हमारी मेन स्क्रीन और एक्सटेंडेड स्क्रीन है बिल्कुल सेम स्क्रीन हो जाएगी, तो यह आपको कभी नहीं करनी है। इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर स्टॉप आप मिरर कर सकते हैं, तो आपकी वही सेटिंग पूरी आ जाएगी। यहाँ पर मेन डिस्प्ले है, इसके अलावा आपको एक्सचेंज करना हो तो जो हमारी एक्सटेंडेड डिस्प्ले है इसे आप क्या कर लेंगे, आप मेन डिस्प्ले बना लेंगे, और जो आपके लैपटॉप वाले डिस्प्ले उसे एक्सटेंडेड बना लेंगे, तो आप इसे चेंज भी कर सकते हैं एक दूसरे में। इसके अलावा रिकॉर्ड बॉक्स में कनेक्ट करना है, तो वही हमने यहाँ पर पूरा सेटअप कर लिया है। डिस्प्ले में सेटिंग क्या रखनी है, तो यह मेरे पास मेक OS कैटेलिना है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। जैसे कि हम डिस्प्ले पर जाते हैं, अरेंजमेंट पर जाते हैं, तो यहाँ पर कुछ आपको इस तरह के यहाँ पर ऑप्शन आते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा समझ लेना आप, ठीक है। इसके हम जाएंगे वीडियो सेक्शन पर रिकॉर्ड बॉक्स के। इसके अलावा हमारे चैनल पर हमें जो सॉन्ग है वह लोड करने हैं, वीडियो सॉन्ग, तो यहाँ पर मेरे यहाँ दो सॉन्ग हैं, तो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ अलग अलग डेक पर, तो कुछ इस तरह से मैंने लगा दिए हैं। इसके बाद अब हमें क्या देखना है कि हम किस तरह से जो हमारी प्रीव्यू विंडो है वह आपको देखने को मिलेगी। तो जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एक थोड़ा सा सॉन्ग प्ले करके दिखाता हूँ, और अभी आप मेरी स्क्रीन पर देखिएगा जो बड़ी वाली स्क्रीन है, तो वहाँ पर आपको अभी कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे देख सकते हैं बिल्कुल कुछ भी देखने को नहीं मिलता, तो इसमें हम किस तरह से कर सकते हैं रिकॉर्ड उसमें, तो यह ऑप्शन दिख रहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, तो जैसे यहाँ देख सकते हैं जो आपकी सेकंड विंडो है, सेकंड जो स्क्रीन है वहाँ पर यह सारे आपके आने लगेगी। जैसे मैं यहाँ पर वो ऑन ऑफ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप अपने जो रिकॉर्ड बॉक्स सॉफ्टवेयर है उस पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा मैं ट्रांजिशन लगाता हूँ चेंज करने के लिए सॉन्ग को, या मेरे पास यह दूसरा चैनल साइड आ गया है, तो देख सकते हैं यह सॉन्ग चेंज हो चुका है हमारे बिग स्क्रीन पर। इसके अलावा सीधी आपको वर्चुअल डीजे में और कुछ सीखना है, जैसे कि हम किस तरह से वीडियो कर सकते हैं रिकॉर्ड बॉक्स में सीखना है, तो मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ बनाई हैं, तो इन सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और टैग भी कर दूंगा, तो आप जाकर देख के आप सीख सकते हैं।
इसके लिए यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। वो ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। सो गाइस यह वीडियो को आपने दोस्तों जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उसे भी हेल्प मिलेगी और जो अपने चैनल की ग्रोथ है वह भी ज़्यादा होगी। और आप ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप सबसे पहुंचते रहे। थैंक यू।